नमस्ते, मैं चैत्राली और आपका स्वागत है मेरे किचन में। और आज हम राजमा चावल बनाएंगे। आइए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तेल, बॉईल किए हुए राजमा, गरम मसाला, टमाटो प्यूरी, अदरक लहसुन की इसके लिए है मैंने, और एक प्याज काट के लिया है, जीरा, राई, नमक, रेड चिल्ली पाउडर, ये घर पर बनाया हुआ गरम मसाला है, हल्दी पाउडर, धनिया और सौंफ कूट के लिया है। अब हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें एक चम्मच राई, एक चम्मच जीरा, अब हम इसको अच्छे से गरम होने देंगे। इसमें मैंने एक लाल मिर्च और एक हरी मिर्च डाल दी, अदरक लहसुन जो कि इसके लिए है, इसमें मैंने एक प्याज बारीक काट के लिया है वो भी डाल दिए। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसमें ये टमाटर प्यूरी भी डाल लेते हैं। इसको भी हम अच्छे से तेल छोड़ने तक मसाले को हम पकने देंगे। ये हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देते हैं। ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये घर पर बनाया हुआ गरम मसाला है, नमक स्वादानुसार, ये भी गरम मसाला है, ये आधी छोटी चम्मच, धनिया और सोप पाउडर है, ये दरदरा पीस के लिए है इसको, और ये बॉईल करे हुए राजमा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो दही या इमली की चटनी भी ऐड कर सकते हो अगर आपको पसंद हो तो। ये मैंने पानी डाल दिया आधा कप। अब हम इसको एक भाप लेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी में एक भाप आ गई है, सब्जी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसमें हरे धनिया से गार्निश करेंगे। ये हमारा राजमा चावल बनकर तैयार है। इसी में से हम सब्जी निकाल कर राजमा चाट भी बनाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।